है कि हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा। खैर, बड़ा मसला और भी है आज, बड़ा मसला। एक साल किसान आंदोलन का पूरा हो गया, किसानों के अड़िग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत, 365 दिन का संघर्ष, चार पहर और 6 ऋतुएं, सबकी मार झेली, लाठियां खाई, वाटर गन, कील की दीवारें, अपशब्द, बेतहाशा मुकदमे, अनगिनत साजिशें, नफरत और 700 से ज्यादा शहादतें। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी और रहेगी। सरकारें आई चली गई, लेकिन मेरे देश का किसान महान था, है और रहेगा। यह आतंकी खालिस्तानी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह किसान है। तभी हमने कहा कि जय जवान, जय किसान और जय संविधान। अब आप कहेंगे कि ये जय जवान कहां से, क्योंकि किसान और संविधान का तो मसला समझ में आ गया, लेकिन आज ये जवान का जिक्र कहां से कर रहे हो आप, क्योंकि आज तो एक साल किसान आंदोलन का पूरा हुआ और संविधान दिवस है। आप संविधान दिवस और किसान आंदोलन के साथ जवान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, मैंने एक बात का जिक्र किया, हमेशा से जिक्र किया, और वो जिक्र ये था कि खेत में किसान और सीमा पर जवान, खेत में किसान और सीमा पर जवान। और किसान का बेटा कौन? वही तो जवान, वही जवान जो किसान खेत में है और सीमा पर उसी का बेटा जवान, यही है हमारे देश की शान। आज उस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं जो सियासी चर्चा का विषय ही नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि खेत में किसान, सीमा पर जवान, हमारे देश की ये शान। दिन तो संविधान दिवस था, फिर ये चुनावी रैलियों में क्यों तब्दील हो गया? तमाम न्यूज चैनल्स पर आप देख रहे होंगे कि हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई हो रही होगी, जिन्ना पर बहस हो रही होगी, लेकिन असली मसला तो किसानी का है, महंगाई का है। इन मसलों पर बहस क्यों नहीं हो रही, चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्यों आखिरकार यह कहानी परिवारवाद पर आकर टिक गई और हम उस बहस का हिस्सा बन गए? हमने क्यों उस बहस में हिस्सा ले लिया जहां पर संविधान दिवस पर यह कहा गया कि यह परिवारवाद, इससे किसका भला होगा? चुनावी बहस तो हो सकती है, लेकिन इससे भला किसका होगा, किसका? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले संविधान के नजरिए से कुछ बयान आए, उन बयानों को सुनिए, और फिर आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, और इन खास मेहमानों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। कपीश श्रीवास्तव जुड़ेंगे, जो कि कानून के विद्यार्थी भी हैं, कानून को समझते भी हैं, संविधान को भी पढ़ते, सपा के नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ पूनम पंडित जुड़ेंगी, वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई, लेकिन इस किसान आंदोलन से उनकी भी एक अलग पहचान है। साथ ही मेरे साथ आशीष कुमार ज्वाइन करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, अधिवक्ता हैं, संविधान को समझते हैं। और सवाल आंशिक पंडित से भी होगा, जो कि किसान नेता हैं, और साथ ही मुझे ज्वाइन करेंगे गौरव मिश्रा, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। लेकिन पहले यह बयान सुनिए, और उसके बाद इस चर्चा को, और महत्वपूर्ण चर्चा को। मैं हिंदू मुसलमान की डिबेट में हम लगातार इसका विरोध करते हैं, हिंदू मुसलमान की चर्चा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। संविधान पर सबसे बड़ा खतरा एक ये भी है, और उसका हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, जिन्ना पर चर्चा क्यों?
जिन्ना उनके आदर्श और गुरु हो सकते हैं जो टीआरपी की होड़ में हैं, हमारे नहीं। हम सिर्फ जनता की सोच, जनता की आवाज उठाते हैं, क्योंकि मुद्दा आपका है। पहले यह बयान सुनिए। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। और भारत के संविधान की उन मूल भावना का प्रतिनिधित्व है, मुझे लगता है, या किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और भाषा के दायरे में कैद करके नहीं, बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है, क्योंकि भारत के संविधान का वास्तविक संरक्षक अगर किसी को माना गया है तो अब भारत के नागरिक को माना गया है, भारत के नागरिकों को माना गया है, भारत की जनता को। कोई अवसर यह सरकार नहीं छोड़ती जब संविधान और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाएं। संसद के हर सत्र आरंभ होने से पहले महत्वपूर्ण कानून अध्यादेशों के माध्यम से बनते हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से बनते हैं। जब तक एक राष्ट्रीय आपत्ति की स्थिति ना हो, एक ऐसा परिस्थितियां ना हो जब सरकार के लिए अनिवार्य हो संसद का सत्र से कुछ दिन पहले नया कानून का अध्यादेश लाना, वो नहीं किया जाना चाहिए। क्या ऐसे ही केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा संविधान का पालन किया जा रहा है? ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है। क्या संविधान दिवस के मौके पर केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं? हमारी पार्टी का ये मानना है इस मामले में इनको जरूर सोचना चाहिए। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज इस चर्चा में शामिल होंगे मेरे साथ गौरव मिश्रा जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, कपीश श्रीवास्तव जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, साथ ही साथ आशीष कुमार जी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ आंशिक पंडित जी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि किसान नेता हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ पूनम पंडित भी शामिल होंगी इस कार्यक्रम में जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, और फोन लाइन पर भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन पहले गौरव मिश्रा जी मैं चर्चा आपसे शुरू करना चाहूँगा और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ता हूं। हमारा एक हिडन एजेंडा है बेरोजगारी, रोजगार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई, सरकारें किसी की भी हो सवाल सत्ता से। मेरा सवाल सीधा और सपाट है, मैंने शुरू में कहा कि खेत में किसान, सीमा पर जवान, और कपीश जी मेरे साथ कई डिबेट में रहे और मैं शुरू से कहता था कि एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ जवान है और किसान का बेटा ही जवान है, डे वन से मैंने यह बात कही और यही हमारे देश की शान है और संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए तीनों एक साथ खड़े हैं। आज संविधान दिवस था गौरव मिश्रा जी, सर यह चुनावी रैली में कैसे तब्दील हो गया मैं जान सकता हूं? देखिए भारत एक दुनिया का वो खूबसूरत देश है जहां हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, विचारों की आजादी है, स्वतंत्रता है हर प्रकार की, लेकिन उस स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं से वो व्यक्ति इतर हो जाए। राष्ट्र की जो मूलभूत चेतना है, जो उसका मूल तत्व है, उसके विरुद्ध जब कोई व्यक्ति या संस्था या राजनीतिक दल जाते हैं तो ऐसा जान प्रतीत होता है
देखिए आवाज बहुत इको कर रही है, मैं बोल सर मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ, प्लीज प्लीज अपनी बात रखिए, थोड़ा ठीक करवाइए प्लीज। तो ऐसा लगता है कि सारे लोग एक साथ खड़े दिखाई दे रहे, लेकिन जरा 2014 से स्थिति को आप माइक्रो एनालिसिस करिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि सभी विपक्षी दल, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े ना दिखाई दे हो। इतना ही नहीं, वो विषय जो देश हित से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्र हित से जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना, देश की संस्थाओं का विरोध करना, देश में लोकतंत्र की पॉकेटमारी करना, उस पर नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा हूं तो कि क्या परिवारवाद देश का सबसे बड़ा मुद्दा है क्या इस वक्त? मैं जानता हूं ये सवाल नहीं पूछे जाते होंगे आप लोगों से, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर कई चैनल तक खुल गए हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर आपस में टकरा दो, लड़ा दो, भिड़वा दो, वो ये सवाल नहीं पूछते होंगे। मैं इतना पूछ रहा हूं कि परिवारवाद क्या देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल परिवारवाद ने ही इस देश को खोखा कर दिया। अच्छा, परिवारवाद ने ही इस देश को गरीबी के गुर्बत में डाल दिया। परिवारवाद ने ही आजादी के 72 वर्षों के बाद भी 44 करोड़ देशवासियों का बैंकों में खाता नहीं खुलने दिया। परिवारवाद ही अकेले उत्तर प्रदेश में 42 लाख परिवारवाद ही असली वजह है, वंचित करके रखा रहता। परिवारवाद ही असली वजह, भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे खोले, पेट्रोल से लेकर टमाटर के दाम बढ़ गए सर, सेंचुरी मार रहे हैं। आप असली मुद्दा बता रहे हैं मुझे परिवारवाद है? बर्थडे इसी नहीं नहीं इसी परिवारवाद रे, बर्थडे जो है विक्रांत अच्छा, इसीलिए परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, के खिलाफ बोलना, बेरोजगारी आपकी नजर में बड़ा मुद्दा नहीं है, महंगाई आपकी नजर में बड़ा मुद्दा नहीं है, आरटीआई लोकपाल चलिए छोड़िए ये सब मसले गए, आपकी नजर में परिवारवाद सबसे बड़ा मसला है सर? 28 मसले सारे हैं, नहीं मसले सारे हैं, संविधान आपके निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, मेरी निगाह में हाँ बिल्कुल है, हमारी निगाह में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, और मेरी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा किसानी है, मेरी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा देश का किसानी है, सबसे बड़ा मुद्दा किसानी है, ठोक बजा के बोलता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा किसानी, ईमानदारी भी होनी चाहिए, किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी आंकड़े बताऊंगा सर, तो सर आंकड़े बताऊंगा, तो किसानी का मुद्दा अगर सबसे बड़ा था इस देश में तो ना है किसान आत्महत्या क्यों कर लेता था? है किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं पूछना चाहता हूँ, है अभी भी, अगर किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है तो कर्ज माफी के बाद भी किसान कर्ज में क्यों डूबे रहते थे? कर्ज माफी कभी नहीं कही किसानों ने, बहुत सारे किसानों ने उत्पादन का सही मूल्य जिसे MSP की बात कही गई थी उसका जिक्र करूंगा मैं अभी, लेकिन कपीश श्रीवास्तव जी, बिल्कुल कपीश श्रीवास्तव जी, MSP पर भी मैं बात करूंगा आपसे, जी उसी पे करूंगा, मैं 2011 का भी अध्ययन करके बैठा हूं और उसके आंकड़े भी लेकर बैठा हूं, बिल्कुल वहां राष्ट्रवाद पर चर्चा होती है और राष्ट्रवाद के असली मायने बताऊंगा मैं अभी, जो राष्ट्रवाद पे बैठकर टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो करवाते हैं ना उनको राष्ट्रवाद बताऊंगा मैं क्या होता है अभी, एक सेकंड कपीश श्रीवास्तव जी, ये संविधान दिवस पर परिवारवाद आ गया और उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, वो तमाम बड़े बड़े वाले कह रहे हैं कि लड़ा दो टकरा दो भिड़ा दो, परिवारवाद सबसे बड़ा विषय बन गया। मैंने कहा ना भैया किसानी महंगाई, मैं तो उसी पर ही हूं आज भी, किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है। यह संविधान दिवस चुनावी रैली में तब्दील कैसे हो गया आज, और बहिष्कार क्यों कर दिया आप लोगों ने? देखिए आपके दो पार्ट हैं, पहले पार्ट का मैं जवाब दे दूं कि देखिए संविधान दिवस के अवसर पे जो रैली बना दी माननीय मोदी जी ने, वो संविधान दिवस की धज्जियां उड़ा रहे थे, इसलिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी लायर बैठे हैं और मैंने भी वही किताबें पढ़ी हुई, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, हमें ये बता दें कि अनुच्छेद कौन सा ऐसा है, 395 अनुच्छेद हैं, उनमें वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर परिवारवाद पुष्पित और पल्लवित होगा, क्योंकि जहां निर्वाचन होता है वहां परिवारवाद की तोहमत आप नहीं लगा सकते, क्योंकि सेवा का माध्यम है राजनीति, और परिवार का अगर एक एक सदस्य सेवा कर रहा है तो फिर आप उसको रोक कैसे सकते हो? क्या व्यवसाय कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी व्यवसाय कर रहे हैं या इनका मंत्रिमंडल व्यवसाय कर रहा है?
तो जहां निर्वाचन जुड़ा है, जहां लोग चुन करके आते हैं, अगर उनके ऊपर आप परिवारवाद की तोहमत लगाते हैं तो इसके मतलब आप इस संविधान के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप भ्रम फैला रहे हैं इस देश के अंदर। कपीश जी आप पर्सनल क्यों ले रहे हैं जी? परिवारवाद का जिक्र नहीं, मैं पर्सनल नहीं ले रहा हूं। आप इस बहस में क्यों पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं पर्सनल, किस बात है? आप लोग इस बहस में नहीं, बात इसकी नहीं है, बहस की नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि संविधान दिवस पे संविधान की धज्जियां उड़ाई प्रधानमंत्री जी ने। मैं ये आईना दिखा रहा हूं, इन्हें आईना दिखा रहे हैं। या तो ये कह दे कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है और निर्वाचन से जितने लोग चुने जाते हैं या जितनी सरकारें चुनी गई उनके जनादेश को ये कूड़े के डिब्बे में डाल रहे, कह दे। आपको भी लगता है परिवारवाद देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कपीश श्रीवास्तव जी? परिवारवाद देश का? अरे बिल्कुल नहीं साहब, परिवारवाद लोकतंत्र में होता ही, यही तो मैं समझा रहा हूं कि लोकतंत्र में परिवारवाद मुद्दा नहीं, परिवारवाद होता ही नहीं है जहां जनता चुनाव करती है। इसलिए ये भ्रम फैला रहे हैं। असली मुद्दा है बेरोजगारी जी, असली मुद्दा है महंगाई, असली मुद्दा है स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था, असली मुद्दा है लोगों की आय कैसे हो, लोग कैसे खाना चाहे, कैसे आत्महत्याएं रोकी जाए, कैसे किसानों की आय बढ़े, ये सब मुद्दे हैं। कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम, परिवारवाद पर बहस कर रहे हैं, असली मुद्दों पर चर्चा करिए ना, मैं तो वही कह रहा हूं, असली मुद्दों पर चर्चा करिए जी। मैंने तो ये नहीं, मैं परिवारवाद पे चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा जी। आप परिवारवाद पर ही चर्चा कर रहे थे, आप सफाई दे रहे थे, मैंने कहा धज्जियां उड़ाई है। अच्छा, एक भ्रम फैला कर, एक बात पूनम पंडित जी, मेरी ऑडियो आ रहा है आपको? पूनम पंडित जी तक ऑडियो नहीं जा रहा है, उसको कनेक्ट करेंगे दोबारा से प्लीज। मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे पंडित जी, आकांश पंडित जी, आप किसान नेता हैं, एक साल हो गया किसान आंदोलन को, मैं इसे संविधान से भी जोड़कर देखूंगा आगे, और उसे मैं आशीष जी को मैंने क्यों आमंत्रित किया मैं आगे आपको बताऊंगा, और वो देश में चर्चा का विषय बनना चाहिए, क्योंकि आप तमाम लोग उन चैनल्स में बैठते हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो करवाते हैं, और मैं उस संविधान के नजरिए से इस पूरी की पूरी कहानी को अभी मैं पलटने वाला हूं। लेकिन आकांश पंडित जी, इस एक साल में हासिल क्या किया आप लोगों ने? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने ढेर सारे न्यूज चैनल्स में, कम से कम कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो लगातार कम से कम किसानों की बात को सकारात्मकता के साथ रखते हैं, बताते हैं, और किसानों के मुद्दे को मतलब जनता तक पहुंचाने के काम करते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपको धन्यवाद है। दूसरी चीज, सजा हमें भी भुगतनी पड़ती है, मालूम है आप? जी जी, पूछ लीजिएगा कपीश जी से पर्सनल फोन पे, सजा हमें भी भुगतनी पड़ती है। समस्या क्या है कि हमेशा से जब भी डिबेट हुए किसानों के मामलों को लेकर के या किसी भी किसानों से संदर्भित मुद्दे को लेकर के जब बात हुई तो उस विषय को ही भटका करके यहाँ से लेकर के लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, बंबई से जम्मू, जम्मू से पता नहीं कहाँ, फिर उठा के घूम फिर के, लेकिन वो किसान पर बात नहीं होती है। आज मैं कई न्यूज चैनल्स की डिबेट में लगातार रहा और जिसपे मैंने आपका जो प्रश्न था वही सभी लोगों का लगभग प्रश्न था कि इस एक वर्ष में क्या आपको मिला। एक वर्ष में हमको ये प्राप्त हुआ कि हमारे परिवार के इतने ढेर सारे लोगों ने शहादत देने का कार्य किया, तब जाकर के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम काले कानूनों की वापसी की, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार या पार्टी के लोग लगातार ये कहते थे इन कानूनों में कोई कमी है ही नहीं, लेकिन कम से कम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात को कानूनों की वापसी करके ये तो साबित कर दिया कि कानूनों में बहुत ढेर सारी कमियां थी और जो किसान संगठन या संयुक्त किसान मोर्चा जो कह रहा था वो सही था। दूसरी चीज, अब एक नया राग अलापा गया है कि अब अपनी सीमाएं आप लोग खाली कर दीजिए और अब आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन आधी बात को पूरी करके शुरू से आज तक लगातार एक ही विषय पर, जिस दिन से संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमाओं से आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दिल्ली में, उस दिन से लेकर आज तक हमेशा से तीनों काले कानूनों की वापसी,
एमएसपी पर बिल, अब वो काले गोरे वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना, अब तो मैं कह रहा हूं काले छोड़ दीजिए, आप कानून कह दीजिए, मैं संविधान के नजरिए की वापसी, इसी संविधान ने आपको ताकत दी ना, इसी संविधान ने आपको ताकत दी कि आप देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नजरिए से इस आंदोलन को चला पाए, इसी संविधान ने आपको ताकत दी ना, बिल्कुल 1000%। यदि आप संविधान नहीं होता, अगर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान देश के हर एक एक बच्चे को मिला, यदि वो संविधान नहीं होता, या तो आज हम लोग जो अपना लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को कर पा रहे थे, वो करने का अधिकार ही हमको नहीं प्राप्त हो पाता। लेकिन और मेरा इतना कहना है पंडित जी कि देखिए, मैंने शुरू में कहा 365 दिन का संघर्ष है आप लोगों का, चारों पहर, 6 ऋतुएं, इसके साथ साथ लाठियां, वाटर गन, कील की दीवारें, साजिशें, अपशब्द, मुकदमे, सब कुछ तो झेला आप लोगों ने, 700 शहादत चली गई, हासिल क्या किया मैं इतना जानना चाह रहा हूं, क्योंकि लड़ाई तो एमएसपी की है ना, आप लोग किसे राजनीतिक नजरिए से अगर लेकर गए तो ये आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा, मालूम है ना आपको, बिल्कुल मालूम है, मैं अगर आप बोल चुके हो तो मैं बोलना चाहता हूँ जी, प्लीज जल्दी से, फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ, अगर पूनम पंडित जुड़ गए तो पहले उनके पास। सीधी सीधी बात ये थी कि आंदोलन जिस पल से, जिस मिनट से चालू किया हुआ था, दोनों बातें लगातार जारी थी, और रही बात एमएसपी पे गारंटी की, आप देश के किसी भी जिले में जहां पर अनाजों की खरीद होती हो उस जगह पर आप स्वयं एक बार, केवल मैं चाहता हूं, या जो भी लोग एमएसपी का विरोध करते हैं वो सब लोग स्वयं जाकर के वहां पर उसका भौतिक निरीक्षण कर लें और पता कर लें कि ज्यादातर जगहों पर जो रेट सरकार के द्वारा एमएसपी पे तय किए गए, उन रेटों पे कहीं खरीदारी होती नहीं है। और अभी खरीफ और रबी की एक परिभाषा भी बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प है हमारी पत्रकारिता में, अभी बताऊंगा, कुछ नाराज हो जाएंगे। पूनम पंडित जी, पूरी बात, पूनम पंडित जी एक सेकंड, पूनम पंडित जी अब मेरा ऑडियो आ रहा है मैडम आपको जी, नई भूमिका में है पूनम जी आप, और इस आंदोलन के भीतर आपकी एक अलग पहचान भी बनी। अब पूनम पंडित जी, मैं अलग विषय पर चर्चा कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देश में आज संविधान दिवस है और देश में चर्चा हो रही है हिंदू मुसलमान, एक चैनल को देख रहा था वो कह रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व, मैंने कहा देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, परिवारवाद या फिर किसान, तो अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि किसान नहीं, परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसी की समस्याओं की जननी जो है वो परिवारवाद है। आप बोलिए, आप देखिए क्या बोलते हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि परिवारवाद, कहीं तो ये बात करते थे तो कि परिवारवाद हमें खत्म करना है, ठीक, और परिवारवाद के हम खिलाफ है, और आज घूम फिर के मुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहीं पे आकर के रुक गए हैं कि परिवारवाद। दूसरी बात, बात होनी चाहिए थी विकास की, आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां बात करनी चाहिए थी एयरपोर्ट, हवाई जहाज कब उड़ेंगे, और बाद में हमें एयरपोर्ट को इसे किसको बेचेंगे, क्योंकि बेचने में लगे हो ना सारी संपत्ति, और ये इसमें हम किस किस को नौकरी देंगे या नहीं देंगे, बात ये होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पे उस मंच पे बात क्या करी गई है, धर्मवाद को बीच में घुसेड़ा इन्होंने जानबूझ करके, क्योंकि इनको पता है विकास के नाम पे इनको वोट नहीं मिलेगा, और इनको पता है स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, पूरे देश की क्या हालत थी जब कोरोना से देश जूझ रहा था, और सोनू सूद ने मदद करी और उनको इसका सिला मिला, ईडी जांच, ईबी जांच, ये जांच, वो जांच, ठीक। और इनको शिक्षा के नाम पे बात करनी चाहिए थी, शिक्षा के नाम पे बात नहीं करते ये। अब आप एक चीज देख लीजिए, जब भी कोई प्रवक्ता बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप उनसे इन मुद्दों पर बात करेंगे, अगर वो बात करेंगे अब आपसे तो बोलेंगे प्रधानमंत्री जी ने बिल रद्द किए, जब बिल आए थे क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को मिला, बिल रद्द किए तो वो क्रेडिट भी प्रधानमंत्री जी को मिला, ठीक। लेकिन अगर हम इनसे बात करते हैं एक साल पहले की, जब ये बिल लागू हुए थे, हम इनसे जब की बात करते तो ये कहेंगे अरे पीछे बातें क्यों उठाते हो, बात अब की करो ना, प्रधानमंत्री जी ने बिल रद्द कर दिए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, ये करते हैं। देखिए ऐसे जो लोग होते हैं, जो इनके प्रवक्ता हो गए या जो और नेता हो गए, जो मतलब इनके कार्यकर्ता हो गए, उनको एक चांस चाहिए था धन्यवाद मोदी जी कहने का,
वो अच्छा। उनको चांस मिला है। अब इसमें जो है किसानों का कोई सम्मान अगर उनको नजर आता तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी अपना जब संबोधन दे रहे थे देश की जनता को तो उनका ये फर्ज था, वो ये कहते कि मैं देश के उन किसान आंदोलन में शहीद हुए उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ जो इस किसान आंदोलन में शहीद हुए। लेकिन नहीं, उन्होंने उन शहीदों को भी नमन नहीं करा, ना उन्होंने वे मुकदमे वापस लिए, ना एमएसपी पक्की हुई, ना बिजली, ना पराली वाला बिल, कुछ नहीं। मैं एमएसपी का जिक्र भी लेकर आऊंगा, मेरी बात सुन लीजिए। आने वाले समय में जो हमारे यूथ है, जो युवा है, उन पे इतने मुकदमे हो रहे, उन मुकदमों को हटाने की बात नहीं, जो गलत मुकदमे हो रहे वो तो हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? हाँ, सारे नेता अपने घर चले जाएंगे, लेकिन फंसेगा कौन? गरीब का बच्चा। नहीं, एक बात होंगे गरीब के बच्चों पे। 2011 में वैधानिक दर्जा आप दे देते नेता है, मैं उनसे ये कहूंगी अगर उनकी थोड़ी बहुत भी पार्टी में चलती है तो उनसे ये कह मैं प्रधानमंत्री जी से कि इस जिस समय देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा था ना, किस समय पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, कांग्रेस की सरकार थी तो जब भी जीडीपी 11 पे थी, ठीक, और आज इन्होंने हमारे देश में इतने योगदान दिया गया कोरोना काल में भी, ठीक, और हमारे देश की जनता ने मदद करी, लंगर जनता ने लगाए, और आज देश की जीडीपी 6 और 7 वेंटिलेटर पे सांस ले रही है। नहीं, आपकी बात सही है, 2011 में जिसको संवैधानिक दर्जा आप दे देते वैधानिक दर्जा एमएसपी को तो समस्या का समाधान ही हो जाता, दिक्कत क्या थी? अब भैया एक बात बताओ, 2011 में धीरे धीरे तो एक बात बताओ, ये तो इतनी शहादत लेके माने हैं, उस समय भी वो लोग मान रहे थे, इतने ही इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, ये तो चाहते ही नहीं थे ना किसानों की एमएसपी पक्की हो, इसीलिए तो इन्होंने 2012 के लास्ट में आंदोलन करा था, तो मिडिल में 12 में, और जो आंदोलन 13 में खूब चला जिसने तुक पकड़ी, उस समय एमएसपी पक्की होती 2011 में, लेकिन इन्होंने नहीं होंगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण विषय उठाता हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि किसान आंदोलन और संविधान का जिक्र मैंने आशीष जी को क्यों आमंत्रित किया, और नहीं, अच्छा है क्योंकि वो किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं आशीष जी, और वो संविधान को भी जानते हैं, तो कम से कम 2-4 बात इनको कह सकते हैं। पूनम जी, एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूँ, आप लोगों के दायरे में सब अपनी बात रख सकते हैं, और लोकतांत्रिक देश में मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूँ। हम लोग पूनम जी की आवाज उठाना, संविधान का अधिकार कहता है बाबा साहब, ये अधिकार हमें दे के गए थे कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन ये हम तो आवाज को छीन रहे हैं, तो हमें आशीष जैसे जो भाई हैं तो वो उनकी हमें मदद की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इन्हें बता सके। हाँ, मैं बता रहा हूँ मैडम, मैडम मैडम, मैंने इसलिए आशीष जी को आमंत्रित किया, इसके पीछे एक आधार है, मैं इस आधार को एक सवाल के साथ, छोटे से सवाल के साथ, और कपीश जी आप लोग खुद कानून के संविधान के विद्यार्थी हैं, मैं इसलिए आशीष जी को आमंत्रित किया, इस पूरे मसले को लेकर संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123। आशीष जी, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, संविधान का मसला है, अनुच्छेद 123, अध्यादेश कब लाया जाता है? अध्यादेश ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर अब चर्चा करने वाला हूं, अध्यादेश कब लाया जाता है सर? आशीष जी, मैं इस चीज से स्टार्ट करता हूं कि अध्यादेश लाने की इको काफी है अगर सर, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, प्लीज आप अपनी बात रखिए, प्लीज आशीष जी। एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में कई बार ऐसी इमरजेंसी पड़ सकती है सरकारों के सामने, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जहां पर कानूनों के त्वरित एक प्रभाव में लाने की जरूरत पड़ सकती है, पार्लियामेंट्री बहुत जल्दी में, आपात स्थिति, आई एम राइट, आपात स्थिति, प्लीज कंटिन्यू। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसेस अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और डेमोक्रेसी भी अदरवाइज इस चीज को डिमांड करती है कि एक ब्रॉडर कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ कोई बिल लाया जाए, उस पर बेहतर डिबेट हो पार्लियामेंट में, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी को उसको रेफर किया जाना है वहां पर रेफर किया जाए, और जब एक कंसेंसस का माहौल बन जाए उसके बाद उस बिल को कानून में बदला जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर तभी करते हैं जब आपात स्थिति होती है, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं इसलिए आप लोगों से करेक्ट करवा रहा हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। दूसरा पहलू आपने मुझे ये समझाया कपीश जी, मैं जो समझ पाया कि अगर संसद का सत्र जल्दी में आहूत नहीं हो सकता और आपात स्थिति है तो वो कानून प्रभाव करने के लिए कानूनी अध्यादेश लाया जाता है, आई एम राइट? करेक्ट जी, मैं सही हूं? जी जी जी।
अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, और हर एक सवाल का एक आधार है, फिर मैं उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आऊंगा, क्योंकि मसला संविधान का है। और पंडित जी, इस बात को मैं जानता हूं कि वहां ज्ञानी बैठे हुए हैं, ज्ञान सबके पास है, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल कहां हो रहा है मैं अभी बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताइए आशीष जी, इस तरह से, क्योंकि आप लोग भी कानून के विद्यार्थी हैं, क्या इस बिल को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता था? देखिए चावला साहब, शुरू से ही इस चीज को लेकर, देखिए अगर मैं पॉलिटिकल जो परिदृश्य है देश का, नहीं नहीं मैं कानूनी नजरिए से बात कर रहा हूं आपसे, सिर्फ मैंने पॉलिटिकल बात ही नहीं, मैं सिर्फ कानून की बात, मैं कानून पर ही आऊंगा। एक ब्रॉडर कंसेंसस है हर एक पार्टी के बीच में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, कि एग्रीकल्चर फील्ड में रिफॉर्म की जरूरत है। वो रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, इनके बारे में मतभेद हो सकते हैं। अगर इस तरीके की कंसेंसस मौजूद है, और सरकार किसी भी पार्टी की सरकार होती, क्योंकि मुझे याद है कि कांग्रेस का भी जो घोषणा पत्र था 2014 में और उसके बाद 2019 में, उसमें भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात की गई थी, जो काफी हद तक कुछ एलिमेंट सिमिलर थे। तो एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप की जाती पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इसको भेजकर, तो शायद एक बेहतर तरीका होता सरकार के लिए बिल लाने का। और विपक्ष की डे वन से ये मांग रही है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था। अब मैं आपको आगे इसके एक और आधार, लेकिन कपीश जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे, कपीश जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं उसके बाद पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए हम दोनों ही लोग क्योंकि विधि से जुड़े हुए हैं जी, और मैं एज ए प्रवक्ता नहीं एज ए अधिवक्ता कह रहा हूं कि देखिए जो ऑर्डिनेंस होता है ये तब लाया जाता है जब एक कोई दूसरा विकल्प ना हो हमारे पास विधि बनाने के लिए, यानी कि ऐसा अवसान हो चुका हो और आपात स्थिति हो, तभी हम अध्यादेश से कानून लाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यही है कि इस देश के अंदर तमाम ऐसे कानून लादे गए हैं समय समय पे जो अध्यादेश के द्वारा संविधान के उस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, और ये बिल भी उसी तरीके से था। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आप स्पेशल सत्र आहूत कर सकते थे, स्टैंडिंग कमेटी के पास कमेटी के साथ एक विधेयक को ला सकते थे और आप उसके बाद उस पर चर्चा करा सकते थे। लेकिन यहां तो पहले अध्यादेश ला दिया गया, लाभ पहुंचा दिया गया, उसके बाद ध्वनिमत से एक बार छह महीने के अंदर पारित करा दिया। क्विक रिएक्शन, फिर मैं उसके बाद इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आऊंगा। असल में ये सवाल क्यों पूछा मैंने, संविधान दिवस है ना, इसलिए संविधान का मैंने जिक्र किया। देखिए मेरा मानना यह है कि इसके लिए ज्वाइंट सेशन लाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर ज्वाइंट सेशन भी लाया जाता तो शायद ये उस ब्रॉडर कंसल्टेशन प्रोसेस को वायलेट करने वाली बात होती जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं, और शायद जिसको फॉलो किया जाता तो आज की वर्तमान परिस्थिति जिस पर हम खड़े हैं उसको अवॉइड किया जा सकता था। अब मैं एक बात, यानी मैं मान लूं कि संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। देखिए इसको संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन करना मैं नहीं मानूंगा, लेकिन उन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना जिसकी कि यहां पर जरूरत नहीं थी, उन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए इन बिलों को लाया गया, दुरुपयोग किया गया, सरकार को कहीं ना कहीं एक तरीके से पीछे हटना पड़ा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं गौरव मिश्रा जी आपके पास। आप जानते हैं मैंने आशीष जी को आमंत्रित क्यों किया था, और मैं थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस विषय को समझाया। मैंने कपीश जी को भी इससे आमंत्रित किया था कि वो कानून के विद्यार्थी भी हैं, कानून को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरा सवाल गौरव मिश्रा जी आपसे, मैं जानता हूं वहां पर इस सब विषयों पर चर्चा नहीं होती है, टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो वाले में, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि अब हमारे देश को ये बताइए कि तालाबंदी के बीच किसानों से बातचीत किए बिना आप अध्यादेश क्यों लाए थे, अध्यादेश? देखिए इस आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। प्लीज, तालाबंदी क्यों हुई थी और तालाबंदी के दौरान क्या सारी प्रक्रिया शून्य हो गई थी, रुक गई थी? देश चलता है, देश की संस्थाएं चलती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चल रही थी, सीमा पे रक्षा
हमारे सैनिक कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सारी ये सीमा पे अटैक हो रहा था क्या? और अध्यादेश की सुन लीजिए, अगर अगर किसानों के लिए आप एक नया कानून लाना था तो ये सीमा पे अटैक नहीं था कि आप उसको आपातकाल घोषित कर दें? तो सुन लीजिए अध्यादेश पर भी। अच्छा ये आपात स्थिति थी, एक सेकंड कपीश प्लीज, एक सेकंड गौरव मिश्रा जी, आपको लग रहा है ये आपात स्थिति थी इसलिए जो है तालाबंदी में किसानों से बातचीत किए बिना आप जो है वो कानून ले आए? 1971 से लेकर के 77 तक इंदिरा जी की सरकार थी और 96 अध्यादेश आया था, 96 अध्यादेश लाई थी। अच्छा तो आप इंदिरा गांधी को फॉलो करते हैं? तालाबंदी थी बताइए, तो आप इंदिरा गांधी को फॉलो करते हैं? 1996 से लेकर 98 तक आप इंदिरा गांधी को फॉलो करते हैं? संयुक्त मोर्चे की सरकार में 63 अध्यादेश आए थे, बताइए। सर मैं कह रहा हूँ आप इंदिरा गांधी को फॉलो करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल आया है कोई एक दिन में नहीं आया है, इसकी प्रक्रिया इसकी चर्चा पिछले 20 वर्षों से चल रही थी। कितने किसानों से की सर आपने? मैं तो लिस्ट मांग रहा हूं कब से, मुझे आप अगर 20 वर्ष से चल रही थी तो ऐसी क्या आपात स्थिति आ गई थी ये बताइए सर? अगर 20 साल से चल रही थी तो ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी? अच्छा ये कौन सी आपात स्थिति? जनता ने संसद में भेजा है चुन करके सर, सदस्यों को कानून बनाने के लिए ही भेजा है। सर कानून बनाने के लिए भेजा है, लेकिन अध्यादेश लाने की भी एक मजबूरी होती है। मैंने इसलिए अनुच्छेद 123 का जिक्र किया था। अब मुझे एक बात बताइए, रिफॉर्म जो है वो अध्यादेश से नहीं किए जाते? देखिए रिफॉर्म अध्यादेश से नहीं किए जाते। मैं आ रहा हूँ आपके पास आशंका गिरा दी जाती है। लेकिन गौरव मिश्रा जी मुझे एक बात बताइए ना, आपको लगता है कि वाकई में अगर संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास इसे भेज दिया जाता तो वो किसानों से चर्चा करते, इतना विवाद ही पैदा ना होता जो आशीष जी समझा रहे थे मुझे? नहीं, मुझे ये बताइए कि अध्यादेश पारित होने के एक वर्ष के बाद आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई। 32 संगठन उस समय साथ में थे, अंत में घटते घटते 2 संगठन हो गए और 14 दौर की वार्ताएं भी हुई। इन तीनों कानून पर खुला था सरकार का मंच, इन तीनों कानून के ऊपर में किसी भी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश थी। नहीं, सुधार और संशोधन का रास्ता खुल जाता ना अगर आप स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देते। स्वीकार भी किया गया, करेक्ट, तो आपके पास संशोधन और सुधार का रास्ता निकल आता। मैं गलत कह रहा हूं आशीष पंडित जी? अगर वाकई में स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाता तो ये विषय ही ना बनता। बोलिए। जो भी बोल रहे थे कि किसान संगठनों से सुझाव लिया गया, नहीं, सुझाव लिया जाता तो मैं पूछता ना, लिस्ट अभी तक जारी हो जाती। मैं तो पिछले एक साल से पूछ रहा हूँ, लिस्ट तो दिखाइए, वो किसान संगठन कौन से है? वो किसान संगठन है कौन से जिससे आपने राय ली है? किसी एक व्यक्ति से किसान, किसी किसान एक व्यक्ति एक पर्सन से नहीं पूछा गया बिल लाने से पहले। और उसके बाद जब बिल आ गया, शुरुआत में जब हम लोग लगातार बॉर्डरों में आंदोलन में रहे, तब भी जब वहां पर न्यूज चैनल में वार्ता होती थी तब भी यही तो विवाद का विषय था। जब शुरुआती दौर में कहा गया इस चीज को कि आज तक ये बिल भाई क्यों लाया गया, जब आपने एक बार भी न किसी किसान संगठन से सुझाव लिया। जब बजट सेशन होता है उस बजट सेशन के पहले एक रखा जाता प्री बजट सेशन, उसमें भी किसान नेताओं को बुलवाया जाता था कि ये बजट आना है, ये बातें उस पर एक प्रॉपर चर्चा होती थी। इतना बड़ा बिल आना था, एक किसान संगठन को छोड़ दीजिए, किसान के नाम में एक व्यक्ति जिससे इस विषय की राय ली गई हो तो मुझको बता दिया जाए। पहली बात पूछ लूं, एक आपके सामने पंडित जी, एक सेकंड, गौरव मिश्रा जी बता दीजिए सर, कई बार गुस्सा हो जाते हैं बीजेपी नेता इस सवाल से। वो कह रहे किस किसान संगठन से बात हुई, एक किसान संगठन का नाम बताइए। नहीं, क्या पूछना चाहते हैं? वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बातचीत हुई, अध्यादेश पर पूरा होमवर्क हुआ, उसके बाद अध्यादेश लाया गया आपात स्थिति में, तो वो कह रहे थे किससे बातचीत हुई, उनका नाम बता दीजिए। नहीं, आपात स्थिति की मैंने बात ही नहीं की है, मैंने ये बात की है आपात अध्यादेश की बात है सर। अध्यादेश आपात स्थिति में लाया जाता है। जो कृषि के तीनों कानून थे, तीनों बिल थे, इस पे व्यापक चर्चा पिछले 20 वर्षों से किससे चर्चा हुई थी आपकी? ऐसा हुई किससे सर, वो तो पूछ रहे हम आपसे। किसान संगठन संसद है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसान संगठन ही केवल संसद है क्या? उन्हीं संगठनों ने, देश के किसानों ने चुन करके अपने सांसदों को भेजा है कानून बनाने। अच्छा, के इसलिए अध्यादेश लाया है? देश के सांसदों ने ही कानून बनाया है, इसलिए अध्यादेश लेकर अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था है। प्लीज पंडित जी आपके पास उठा करके रख दिया। मैं आपको बताता हूं, नहीं नहीं कपीश जी समझ गए मैं ये विषय क्यों उठा रहा था, कपीश जी समझ गए। ओके, जल्दी से आकाश पंडित जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय ये आंदोलन का प्रारंभ हुआ,
शुरुआत में तो सभी लोग जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दौरान तो सभी लोगों ने पता नहीं देश के जितने भी अच्छे अच्छे शब्द हैं उन लोगों को कह दिए आतंकवादी ये वो ठीक है। जब भी कोई बैठता था न्यूज चैनल पर ये बात करने में आता तो सीधे कह देते थे ये लोगों को कहाँ बैठा लिया क्या बात करेंगे सब गलत लाए हैं कुछ मुट्ठी भर किसान है ये क्या बात है पूरा देश मान रहा है। आज आप समझ लीजिए मैं आपको बताता हूँ आज भी जब मेरी पहली आज मुट्ठी भर किसान है जी एक सेकंड गौरव मिश्रा जी आज भी मुट्ठी भर किसान है क्या कहा आपने मुट्ठी भर किसान है बिल्कुल इसके विरोध में मुट्ठी भर एक पर्टिकुलर क्षेत्र के किसान आज भीड़ इकट्ठी हुई पूरा देश किसान थे। तो आपने आपकी तपस्या में फिर कमी कैसे रह गई प्रधानमंत्री 700 किसानों की हड्डियों का यज्ञ जो है आपने अपने अहंकार में किया और आपको अफसोस नहीं है अगर आप कहीं पूरी तपस्या कर लेते तो गोदरा से ज्यादा कार्यकाल बना लेते और पूरे देश के लोग तो उनकी किसी की बात नहीं मानी मुट्ठी भर लोगों की बात मान ली प्रधानमंत्री जी ने वाह भाई आप जैसे लोगों के ही चलते आज भी किसान ये नहीं मान पा रहा है कि ये बिल की वापसी आप करेंगे। आज भी जो आप कहते हैं ना आप लोग हर न्यूज चैनल में पूछते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया क्या संशय बचा है क्यों नहीं आप लोग सीमा खाली कर देते हैं ये है वो संशय। नहीं 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 ये सवाल कोई पूछता है आकिशन पंडित जी जो सवाल मैंने संविधान के नजरिए से उठाया आप कह रहे सब पूछते हैं ये पूछता है कोई नहीं 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 ना 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 मैंने ये नहीं नहीं मैंने सर ना 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 मैंने ये नहीं कहा मैंने ये कहा मैं कह रहा हूँ मैं एक बार आशीष जी आ रहा हूँ कपीश जी एक सेकंड आशीष जी कानूनी नजरिए से अब रास्ता क्या बताता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि एमएसपी की लड़ाई है क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ क्या अब इस पूरे मसले को लेकर कोई कोर्ट में PIL दाखिल हो सकती है कि किसानों ने पहले मांग की थी कि भैया कानून वापसी तो घर वापसी अब तो कानून वापसी होगी घर वापसी कई चहीते लोग हैं जिनको परेशानी होती है तो वो कहेंगे कि भैया आप तो आंदोलन वापस होना चाहिए क्या कोर्ट में ये जा सकता है मसला एक बार फिर से। देखिए आपका राइट टू पीसफुल प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट करने का जो राइट है वो किसी पर्टिकुलर इश्यू के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि अगर वो इश्यू रिजॉल्व हो गया तो यू कैन नॉट प्रोटेस्ट एनी लॉन्गर। तो किसान भाई जब तक चाहे तब तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिस इशू पर चाहे उस इशू पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं जब तक वो आंदोलन हिंसा के रास्ते पर नहीं जाता है कोई भी PIL किसी भी कोर्ट के द्वारा एंटरटेन नहीं की जाएगी। ओके कपीश जी क्विक रिएक्शन फिर मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आऊंगा और PCR प्लीज तैयार रहना पुराने बयान चलाएंगे पुराने। ओके कपीश जी क्विक रिएक्शन जी चावला जी सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी आपने पूछा है आशीष जी से ये दोनों का अधिकार है इस पे लाया जा सकता है याचिका लाई जा सकती है और दूसरा ये कि प्रोटेस्ट का अधिकार हमारे किसान को है वो इसके बाद भी बैठ सकता है। और मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि हमारी सरकार इतनी अहंकार में लिप्त हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इज्जत बचाई है और इशारा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कर दिया था बावजूद उसके ये नहीं समझ सके। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं स्टे कर दिया था उन कानूनों पे। अब आप सोचिए ये सरकार कितने अहंकार में थी बहुत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार की इज्जत बचाई है। आपने गौरव जी कहा कि ये मुट्ठी भर किसान थे और आज भी मुट्ठी भर किसान है आप जानते हैं सब लोग जी एक बात पंडित जी एक सेकंड अब मैं देखो अपने गिरबान में झांक के देखता हूं पता क्या है कपीश जी आशीष जी पंडित जी गौरव जी कई विद्वान व्यक्ति आज कहते आज उनको भी पता चल गया कि रबी और खरीफ की फसल आज उनको ये पता चल गया कि MSP क्या होती है वो जो हिंदू मुसलमान पर हिंदुत्व और हिंदू पर डिबेट करवाते हैं जिन्ना पर चर्चा करवाते हैं आज उनको ये मालूम चल गया कि A2FL क्या होता है प्लस और C2+50 क्या होता है उनको ये पता चल गया। अब आज भी 23 फसलों पर MSP मिलता है उनको समझ में आ गई अब तक नहीं आई थी। आपने कहा ना एक साल में क्या मिला पंडित जी मैं वो बता रहा हूं एक साल में क्या मिला आप लोगों को एक साल में यह मिला कि 1975 का गेहूं 1200 और 1100 रुपए में बिकता है यह उन लोगों को भी समझ में आ गया उन लोगों को भी समझ में आ गया कि 1200-1300 रुपए का मूल्य बिकता है किसान बहाल है फिर भी हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रही है फिर भी हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रही है। करेक्ट बहुत बढ़िया बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं
आपने कहा ना कुछ लोगों के पेट, अच्छा एक एक चलते चलते एक ऐसे लोग थे मतलब हमारी बिरादरी के जो तथाकथित पत्रकार है, जिसे मैं तथाकथित बोलता हूं, वो कहते देखो 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 वो जिम में बैठा किसान, वो देखो मशीनें आई है जिम की, वो देखो कॉफी पी रहा है किसान, कॉफी पी रहा है, वो देखो जींस पहनी है किसान ने जींस पहनी है, वो कह रहा है कि ये जिम कहां से आ गया आंदोलन में, मतलब किसान जिम नहीं जा सकता, वो उनकी नजर में वही लाठी डंडा और वो सब कुछ। मैं ये भाषण नहीं दे रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। ये उन लोगों की भी हार है, ये उन लोगों की हार है जो पत्रकारिता के नाम पर तमाशा कर रहे हैं, ये उन लोगों की हार है। बिल्कुल सही बात, जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर तमाशा किया, जिन्होंने बताया राष्ट्रहित के नाम पर ये किसान नहीं ये खालिस्तानी है, जिन्होंने ये कहा कि ये खालिस्तानी है, कनाडा से फंडिंग हो रही है इनकी, ये उन पत्रकारों की हार है जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। अब मुझे एक बात आगे शुरू करूं, उससे पहले कुछ बयान, प्लीज बयान प्ले करिए और आगे बढ़ रहा हूं। कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इन कृषि सुधार कानूनों को लाने से पहले 20 साल तक देश के अनेक कृषि विद्वानों ने एक्सरसाइज किए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपने अपने समय में इस दिशा में प्रयत्न किए हैं, परिणाम स्वरूप मोदी जी के नेतृत्व में एक कृषि सुधार बिल आए हैं। देश के अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश यूनियन और अधिकांश किसान इन बिलों के समर्थन में हैं। जिन लोगों को आपत्ति है उनसे सरकार ने कई दौर की वार्ता की है, हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है रिपील के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव आपका हो तो भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार। किसी भी के लिए बंधनकर्ता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है, और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का क्या तरीका है, आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। सरकार ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए, और 11-12 दौर की चर्चा भी हुई है, लेकिन किसान नेता एक बार भी, उनकी आपत्तियां क्या है ये बता नहीं पाए कि 3 बिलों में उनकी आपत्तियां क्या हैं वो बता नहीं पाए हैं। वही बात उन्होंने कही है कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा है। जो भी हो, यहां से इससे कोई भी किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। कहाँ पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पाता कोई डाउट करोगे? सर फोड़ देना एसडीएम ने कहा था। मैं इसलिए ये बयान सुनाए आपको क्योंकि गौरव मिश्रा जी, 21 फरवरी 2021 का बयान आया, कृषि मंत्री जी ने कहा भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं हटते हैं, कानून खत्म नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा आंदोलन जीवी। एसडीएम ने कहा सर फाड़ देना जी। आज अभी भी आप कहते हैं ये मुट्ठी भर किसान है, आज भी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दूंगा। अभी आपने कहा कि एमएसपी 2100 होती है और 1250 रुपए उस छोटे किसान को मिलता है जिसकी क्षमता है, जिसकी खेत की क्षमता है, जोत की क्षमता है सिर्फ 1.5 एकड़ या 2 एकड़, और ऐसे किसानों की संख्या 86% 87% है। और क्या कारण है कि एमएसपी पर खरीद सिर्फ पंजाब और हरियाणा से अकेले 67% से ज्यादा खरीद केवल पंजाब और हरियाणा से होती है? मेरा सिर्फ ये कहना है, और लगातार सरकार भी इस बात को कहती आई है और तमाम संगठन भी इस बात को कहते आए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में एमएसपी पर खरीद जो है पंजाब और हरियाणा से होती है, लेकिन देश का जो छोटा किसान है उसके सामने एक जो बड़ा अवसर आया था, यद्यपि ये अवसर आया था गया नहीं है,
और बेहतर स्वरूप में जरूर आएगा, ऐसा हमारा किसानों की गत मालूम है आपको क्या है? गत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, सोच समझ के। नहीं नहीं, मैं गत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं ना मुट्ठी भर किसान है, सर 27 रुपए, सर 27 रुपए, एक सेकंड आशीष पंडित जी, 27 रुपए किसान की आमदनी है प्रतिदिन की, 27 रुपए। अगर आंकड़ा गलत पड़ रहा हूँ तो आप बता देना, क्योंकि ये आप लोगों के ही आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। कर्ज है, कर्ज है 47,000 से बढ़कर जो है वो 74,000 बढ़ गया प्रति किसान पर, और 4 लाख से ज्यादा, सर सुनिए ना, बता रहा हूं पूरा आपको सुन लीजिए, 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं 1996 से लेकर अब तक के आंकड़े बता रहा हूं एनसीआरबी के, और 45 लाख करोड़ का नुकसान किसानों को हुआ है, यह आप लोगों की रिपोर्ट बताती है, 45,000 करोड़ का 2014 तक के बताइए। यह राजनीतिक छिलकों से क्या हासिल होगा परिवारवाद से? आंकड़े बताइए, उसके बाद से ये रेशियो गिरा है और आमदनी में वृद्धि भी हुई है। अच्छा, आमदनी में वृद्धि हुई है, मैक्सिमम खरीद हुई है। आप बताइए पिछली सरकारों में कितनी खरीद होती थी, एमएसपी 2014 में क्या थी, जो 1200 की एमएसपी थी आज 2500। आप ये कह रहे हैं आप एमएसपी दे रहे हैं, महंगाई कहां पर चली गई, महंगाई कहां आप ले गए, 1 रुपए की चीज 12 रुपए में बिक रही है। 2016 आप मुझे बताइए पेट्रोल के दाम आपने कहाँ पहुँचा दिए, बिजली के बिल आपने कहाँ पहुँचा दिए, खाद के दौरे आपने कहाँ तक पहुँचा दिए, 5 किलो आपने उसमें भी चुरा लिया और बैठ करके आप प्रवचन दे रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया गौरव मिश्रा जी, आपने कहा ना आंकड़े कुछ और बताओ, मैं बताता हूँ। 2016 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि किसानों की 17 राज्यों में किसान परिवार की औसतन आय 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए औसतन आय। इस पर करो ना चर्चा, इस पर डिबेट करो, हिंदू मुसलमान पर क्यों करते हो, रोजगार पर करिए, किसानों की आय पर करिए। 20,000 रुपए प्रति परिवार किसान की आय, 20,000 रुपए, ये आपका 2016 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है, उनको बोलिए ना इस पर चर्चा करें। 2016 का आप बता रहे हैं, 2020 का बताइए लगातार वृद्धि। सर ये 2016 का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा हूं मैं आपको। अरे महंगाई की वृद्धि आपने की है, उसे तो जबरदस्त है, आप कौन सी वृद्धि कर दी है, कहां वृद्धि हुई है बताइए मुझे। जो आमदनी की वृद्धि दर होती है, जो तय मानक था 10.2%, उसको भी क्रॉस कर दिया है जी, उसमें उत्तर प्रदेश इतना अच्छा। आक्षय पंडित जी, मैं फाइनल कमेंट आशीष जी से लूंगा, ये कह रहे हैं आपकी आय जो है एक सेकंड, आप ही के मुताबिक एक जनवरी आने वाली दोगुनी हो जाएगी, तैयार रहना बस, दोगुनी हो गई यार। आपकी आय कितनी है वही नहीं बता, 27 रुपए क्या था, मुझे बताइए कितना बिकता था, मुझे बताइए कि पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने भी कहा कि अंदर मैंने बयान सुना था किसी चीज का, उसमें कहा जा रहा था कि लगातार किसान नेताओं के साथ अंदर जो कार्यक्रम नीति होती है उसमें किसान नेता नहीं चाहते कि मामले का फाइनलाइजेशन हो, उसी दौरान यह कहा गया। अरे ये सारे फर्जी आंकड़े 2022 में उत्तर प्रदेश में उतर जाएंगे और सारा नशा जो है 2024 में उतर जाएगा, क्योंकि आंकड़ों से देश नहीं चलता है, आंकड़े से देश नहीं चलता है, डिजिटल इंडिया करने से खाना मुंह में नहीं जाता है, किसानों की मेहनत से खाना मुंह में जाता है। मोदी जी अपनी अध्यक्षता में तो आप वो प्रधानमंत्री है, आप विषय को भटका रहे हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आशीष जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए, प्लीज जल्दी से पंडित जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये इसने वो किया, फलाने ने वो किया, 16 में ये आंकड़े थे, 14 में वो आंकड़े थे, ये नहीं बात करने की। आज केवल विषय ये है, आज की करंट सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमको डिजिटल इंडिया कैंपेन से, हम लोगों ने भी कहा कि हमारे गन्ना किसानों को, हमारे धान किसानों को, हमारे गेहूं किसानों को डिजिटल कैंपेन से जोड़ दीजिए। एक एक बार आज अगर आपका गेहूं गन्ना तौल लिया गया तो 2 साल बाद 3 साल बाद पेमेंट ना हो, और जैसे ही निकले, जैसे 1 मिनट में पेटीएम के द्वारा तुरंत आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ किसान का गन्ना तौला जाए और तत्काल 1 मिनट के अंदर किसान के खाते में वो पैसा, उसकी जो भी वो है, क्या कहते हैं, मतलब जो भी उसका भुगतान है तुरंत उसके खाते में पहुंच जाए। एमएसपी को लेकर संवैधानिक अड़चन क्या है, मैं एक बात जानना चाह रहा था। आशीष जी आप बता सकते हैं सर, संवैधानिक अड़चन है कुछ एमएसपी को लेकर? देखिए संवैधानिक अड़चन है सच कुछ नहीं होगी,
क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर होगा। ऑल्दो इस पर स्टेट की तरफ बाल उछालने की पूरी कोशिश की जाएगी सेंटर की तरफ से, लेकिन चावला साहब मैंने अपनी उंगली दूसरी वजह से खड़ी की थी। गौरव मिश्रा साहब अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पूरी एक साल में जो भी तमाशा हुआ उसका नुकसान क्या हुआ है। देखिए, जब से देश आजाद हुआ किसानों की स्थिति को लेकर राजनीतिक वाद विवाद चलता रहा है, और किसान आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी उसी परिस्थिति में खड़ा हुआ है, जहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश में कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है रोजाना, चलने दीजिए वैसे चलने दीजिए, किसी ना किसी हिस्से से आती है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी केंद्र सरकार के पास, जब आपके पास संख्या बल भी है और एक मैं मानता हूं कि एक मंशा भी है कि एक आप किसानों का भला करना चाहते हैं। 2022 तक आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया हुआ। मैं मानता हूं कि इन बिलों को लाने के पीछे सरकार की मंशा अच्छी भी हो सकती है, राजनीतिक वाद विवाद पॉलिटिकल पार्टीज के करने की बात है, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जिस तरीके से ये बिल लाए गए उसका नतीजा क्या हुआ आज देखिए। हम फिर से उसी बैक टू स्क्वायर वन पहुंच गए। अब मुझको आप बताइए, इन बिलों को वापस लाने के बाद इस देश के आने वाले फ्यूचर में किस सरकार के पास ऐसी हिम्मत होगी कि किसानों से रिलेटेड या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी बिल वो लेकर आए। इसका नुकसान देश को बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा, भले ही सरकार की मंशा अच्छी रही। जी, मैं आपने आप सब लोग मेरे साथ जुड़े इस चर्चा पर हमने वैधानिक नजरिए से, क्योंकि मैंने कहा कि लखीमपुर में सिर्फ किसान ही नहीं कुचले गए, दोनों तरफ से हत्याएं हुई, हत्या तो वहां संविधान भी कुचला गया लखीमपुर में, क्योंकि आपने विरोध का अधिकार छीन लिया तो वो संविधान भी कुचला गया, संविधान भी कुचला गया। ये कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें आप मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं, वो किसान आज ये सवाल तो आपसे पूछ रहे होंगे और इन सवालों के जवाब तो गौरव जी आपको आने वाले वक्त में भी देने होंगे। अगर 1984 में सिख दंगों के हिसाब किताब आज भी कांग्रेस से मांगा जाता है तो आने वाले वक्त में आपसे भी कुछ हिसाब मांगा जाएगा उन 700 शहादत का। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो इस विषय पर चर्चा नहीं होते। गौरव जी का ऑडियो उठाइए प्लीज, गौरव जी जल्दी से जी। मैंने इसलिए बात कही, असली मुद्दे ये हैं किसानी, बेरोजगारी, महंगाई। मैंने इसलिए ये बात कही कि संविधान दिवस पर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं उस चर्चा को लाकर आना चाह रहा था कि 66 पत्रकार गिरफ्तार कैसे हुए 2020 से। अब सवाल यह भी कि प्रेस इंडेक्स में देश के भीतर हमारा स्थान 142वें नंबर पर क्यों पहुंच गया, यह सोचने का विषय है। क्यों आखिरकार देश के भीतर चार जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलकर यह कहते हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड टेक केयर ऑफ द नेशन, क्यों कहते हैं ये हमारे जजेस? इस पर भी विचार करना होगा कि आरबीआई के गवर्नर ये क्यों कहते हैं कि काम करने का अधिकार दीजिए। ये तमाम विषय हैं। संविधान तभी बनता है, संविधान अभिव्यक्ति की आजादी से बनता है, अभिव्यक्ति की आजादी धर्मनिरपेक्षता से बनता है, धार्मिक स्वतंत्रता से बनता है। अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है सर। अभिव्यक्ति की आजादी एकतरफा नहीं होती, एक तरफा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। तभी मैंने उसका जिक्र किया था कि संविधान में तालाबंदी में आप संविधान का हवाला देकर आखिरकार कैसे कानून ले आए, यही तो था अध्यादेश अनुच्छेद 123 जिसके लिए मैंने आशीष जी को कपीश जी को आमंत्रित किया कि देश को मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 123 क्या कहता है, 123 क्या कहता है सर। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो निजी मिल्कियत नहीं होते, बिल्कुल सही, जो जब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आंकड़े सर और भी थे, लेकिन मजबूरी मेरी यही है कि सत्ता में जो होता है सवाल उसी से पूछता हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। हम बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया की एक मुहिम है, महंगाई पर और किसानी, ये हमारे देश की जिस दिन प्राथमिकता बन जाएंगे उस दिन हिंदू मुसलमान पर चर्चा होनी बंद हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।